मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिखाया जिसकी उससे हमेशा उम्मीदें की जाती हैं। उसने ना सिर्फ मुकाबला जीता, इंग्लैंड को हराया, वर्ल्ड चैंपियन को हराया, बल्कि उससे सीरीज भी अपने नाम कर ली 2-1 से। मुकाबला 1-1 से बराबरी पर था, निर्णायक मुकाबला था, मैनचेस्टर का ओल्ड ट्रैफर्ड का मैदान था जहां इंग्लैंड का पहाड़ नुमा स्कोर बहुत बड़ा एक लक्ष्य के रूप में सामने था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 302 रन का स्कोर खड़ा किया 7 विकेट के नुकसान पर। और बड़ी बात यह है कि जॉनी बेस्ट्रो, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने शानदार सेंचुरी लगाई और साबित कर दिया कि वो बेजोड़ बादशाह है, उम्दा प्रदर्शन कर सकते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने 112 रन की पारी खेली, सैम बिलिंग्स ने 57 रन बनाए केवल 53 गेंदों का सामना करके, और 126 गेंदों पर 112 रन बनाकर कोई ताबड़तोड़ पारी उन्होंने नहीं खेली, लेकिन बहुत ही पारी को अंजाम दिया उन्होंने एक बड़ा स्कोर करने में। और उसके बाद सैम बिलिंग्स और क्रिस वोक्स ने निचले क्रम में आकर यानी लोअर मिडल ऑर्डर में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वोक्स 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे, याद उन्होंने ताज़ा करा दी उस मैच की जब उन्होंने बटलर के साथ मैच जिताया था पाकिस्तान के खिलाफ, और यहाँ केवल 39 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और तो और इंग्लैंड के जो लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं वो भी कुछ ना कुछ करिश्मा करते रहे हैं। टॉम करन हो जिन्होंने 19 गेंदों पर 19 रन बनाए, टॉम करन के अलावा आदिल रशीद हैं जिन्होंने 9 गेंदों पर 11 रन का योगदान दिया, मिचेल स्टार्क और जेम्पा को मिले 3-3 विकेट। और फिर ऑस्ट्रेलिया की बारी आई और ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही, 73 रन पर आधी टीम वापस लौट आई, एक 303 रन का लक्ष्य, पहाड़ नुमा लक्ष्य, और उसके सामने 73 रन पर आधी टीम का आउट होना ढहना यही साबित करता था कि इंग्लैंड की जीत करीब करीब निश्चित है। लेकिन इस निश्चित को अनिश्चितता में बदला ऑस्ट्रेलिया के दो बल्लेबाजों ने। जी हाँ, वार्नर, फिंच, स्टैनिस और ये सब लघुशेन, ये सब खिलाड़ी आउट हो चुके थे, मार्श आउट हो चुके थे जो कि बेहतरीन प्रदर्शन उनका पिछले दो मैचों में रहा था और मैच विनर भी वो साबित हुए थे। लेकिन यहाँ पर एलेक्स कैरी विकेटकीपर ने 106 रन की पारी खेली, 114 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के लगाए, और उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल जो मिलियन डॉलर बेबी जिन्हें कहा जाता है और वो चल नहीं पा रहे थे पीछे, लेकिन पिछले मैच में चले, यहाँ फिर चले, यहाँ उन्होंने सेंचुरी बनाई, 90 गेंदों पर 108 रन का योगदान दिया, 4 चौके और 7 छक्के लगाए। और इस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने एक नामुमकिन से लक्ष्य को मुमकिन कर दिखाया। और अब ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि एलेक्स कैरी जो है आदिल रशीद के हाथों एक मौके पर जो है कैच आउट हो गए थे, ये बहुत ही यादगार लम्हा है जिसे कभी कोई नहीं भूल पाएगा। जोफ्रा आर्चर की छोटी सी गलती टीम के लिए ना सिर्फ मैच गंवाने वाली साबित हुई बल्कि सीरीज गंवाने वाली भी साबित हुई, और इसमें उन्होंने कैच करवा दिया था आदिल रशीद के हाथों, लेकिन वो उनका पांव जो है बॉलिंग करते हुए क्रीज से बाहर निकल गया था जिससे वो नो बॉल हो गई, और इस तरह से उसी खिलाड़ी ने आगे जाकर सेंचुरी बना दी और मैच जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने पक्ष में कर लिया। आखिरी ओवर याद कीजिए, 10 रन चाहिए थे और मिचेल स्टार्क बल्लेबाज थे, गेंदबाज नहीं थे, बल्लेबाज थे, और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी थी और सामने थे आदिल रशीद, और उस पर उन्होंने एक लॉन्ग रन के ऊपर से छक्का लगाया, फिर एक स्वीप किया उन्होंने खूबसूरती के साथ 4 रन के लिए, और बीच में उन्होंने 2 सिंगल रन भी दौड़े अपने साथी कमिंस के साथ, और इस तरह से मुकाबले को जो मुश्किल सा लक्ष्य, असंभव सा लक्ष्य लग रहा था, उसको बहुत ही सहजता के साथ पार कर दिखाया। तो उम्मीद करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते हुए कदम अब उसको भविष्य में उसकी वापसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कराने में कामयाब रहेंगे, और टीम बेहतरीन प्रदर्शन इसी तरह से करती रहेगी, और इंग्लैंड कम से कम जोफ्रा आर्चर को तो कोस रही होगी क्योंकि ना सिर्फ उसकी वजह से ये मैच उसने गवाया बल्कि सीरीज भी गवा दी। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आपका जरूर कराएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।